लोग जो ओबीसी में आते हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वे एक बार भारतीय संविधान को ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के लिए तो पूरा संविधान है ही, लेकिन आपके सभी के लिए अनुच्छेद 340 बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया था। सभी वर्गों का विचार करने से पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे पहले ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों का विचार किया था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 340 के अनुसार ओबीसी को प्राथमिकता दी। उसके बाद 341 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता दी। लेकिन उस समय सरदार पटेल जी को इसका विरोध करना पड़ा और कहा ये ओबीसी है कौन, जबकि सरदार पटेल जी स्वयं भी ओबीसी थे, लेकिन उनको सलाह देने वाले गांधी जी और नेहरू जी थे। उस समय सरदार पटेल जी के विरोध करने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 340 को अधूरा छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 340 में लिख दिया कि इस देश के राष्ट्रपति को ये मालूम ही नहीं कि ओबीसी है कौन, और उनकी पहचान करने के लिए एक आयोग गठित करने का आदेश दे रहे हैं, और आज तक उस आयोग का गठन ही नहीं किया गया क्योंकि गांधी जी नेहरू जी ओबीसी को किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते थे, और ओबीसी की पहचान करने के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कोई आयोग ही नहीं बनाया। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ओबीसी के लिए 27 सितंबर 1951 को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, और आज तक किसी भी ओबीसी व्यक्ति को इस बात का पता तक नहीं है कि अंबेडकर जी ने हमारे लिए मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। इस तरह का भेदभाव करने के लिए और गांधी जी नेहरू जी ही मुख्य जिम्मेदार थे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत में जातिवाद खत्म हो, और इस बुराई को ब्राह्मणवादियों ने सरदार पटेल पर डालकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बदनाम कर दिया, जबकि अम्बेडकर जी ने किसी भी जातिवाद के पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो भारत में जातिवाद और पाखंड को जड़ से खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जब तक भारत में जातिवाद खत्म नहीं होता तब तक देश के लोगों में एकता नहीं हो सकती। ये लोग ओबीसी को कोई भी प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि भारत में ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये लोग जातिवाद में लड़ते मरते रहे और देश में कभी भी एकता नहीं हुई। देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने वाले भी ये ब्राह्मणवादी लोग ही हैं। क्या आप जानते हैं ब्राह्मणवादियों ने लोगों को चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बांटा, और वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, जाति में क्रमिक ऊंच नीच, किस तरह घोर पाखंड रचा है। इन पाखंडियों ने गरीबी और अंधविश्वासी बनाने के लिए काल्पनिक देवों के नाम पर अनेक त्योहार और मंदिर बनाए, और समाज को पाखंड में डालने के लिए मनुस्मृति, भगवद गीता, रामचरितमानस, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जैसे घटिया और गंदे विचारों की किताबें रची। पाखंडी तुलसीदास ने तो इन्हें ताड़न के अधिकारी भी कह दिया। मानव जाति के लिए ये कितनी घटिया बात है कि नारी को ढोल और पशु के समान समझ लिया गया। आखिर क्यों, किस आधार पर तुलसीदास ने नारी को ढोल और पशु के समान समझा? क्या तुलसीदास किसी गधी की कोख से पैदा हुआ था? क्या तुलसीदास किसी मेंढक की कोख से पैदा हुआ था? क्या तुलसीदास किसी कीड़े मकोड़ों की कोक से पैदा हुआ था? मेरे देशवासियों, कब तक हम आपस में जातिवाद, धर्म और पाखंड के आधार पर लड़ते रहेंगे? हमें सच्चाई को समझना होगा और देश की सत्ता को अपने हाथों में लेना होगा। कुदरत ने हम सभी को एक समान बनाया है, लेकिन पाखंडियों ने देश में हिंदू मुस्लिम के नाम से पाखंड फैलाकर लोगों को जाति के आधार पर बांटा है, जबकि दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ये सिर्फ लोगों को जातिवाद में बांटने के लिए पाखंडी लोगों का एक संगठन है, और जातिवाद के कारण आज देश में एकता नहीं है। ये जातिवाद एक साजिश है देश को तोड़ने के लिए। मेरे देशवासियों, इस सच्चाई को समझें और जातिवाद को खत्म करें। हमें देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है और सच्चाई के साथ चलना है। आज हरियाणा में जाट वाई आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अभी तक उनको कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? क्या इन भाइयों को सच्चाई पता है? शायद नहीं पता, क्योंकि मीडिया और राजनीति में ऊंचे पदों पर बैठे ये लोग ही हैं जो सच्चाई को दबा रहे हैं और जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। समाज में सबसे पहले जाति बनाई गई, उसके बाद ही आरक्षण आया। इसलिए सबसे पहले जातिवाद खत्म करो, तब आरक्षण खत्म होगा। आज इन लोगों के कारण ऐतिहासिक किताबों में 80% से ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि सच्चाई को ये लोग दबा देते हैं, और आज मीडिया और राजनीति में 80% से ज़्यादा लोग यही बैठे हुए हैं। आज भी कोई अखबार या टीवी चैनल कभी सच्चाई को नहीं दिखा सकता, क्योंकि आज हर ऊंचे पदों पर यही लोग बैठे हैं जो इन्हें खरीद लेते हैं और उनके हिसाब से ये अपनी अपनी खबरें चलाते हैं। आज कोई भी टीवी चैनल वास्तविक लोगों के, वास्तविक महापुरुषों के विचारों को नहीं दिखा रहा है।
क्योंकि ये महापुरुष पाखंड का विरोध करते हैं और लोगों को सच्चाई बताते हैं। आज देश की सत्ता में इन लोगों का होना देश में पाखंड के कारण ही है, क्योंकि पाखंड और जातिवाद के कारण ही देश की जनता में एकता नहीं है। जबकि इन लोगों का पाखंड और जातिवाद का मुख्य उद्देश्य देश को विभाजित करना ही है। एक अनपढ़ व्यक्ति मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में पूजा कर सकता है, लेकिन एक संस्कृत PhD शूद्र कभी पूजा नहीं कर सकता। ये आरक्षण हजारों साल से चला आ रहा है, आखिर क्यों चला आ रहा है? लेकिन चांद, सूरज और सच्चाई ज्यादा समय तक नहीं छुप सकते। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि समस्त मानव जाति एक समान है, लेकिन ये सारे पाखंडी ठोकर के अधिकारी हैं। मेरे देशवासियों, जिन लोगों ने देश में जातिवाद का जहर फैलाया है, उन्हें अभी ठोकर मार दो, क्योंकि जातिवाद दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवाद है।